के लिए। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान आज फिर हंगामे के आसार, नेता प्रतिपक्ष बजट पर सदन में दे सकते हैं अपनी प्रतिक्रिया। सीएम योगी भी दोपहर 12:30 बजे देंगे बयान। कल सरकार ने पेश किया 6,15,518 करोड़ का बजट। यूपी विधान परिषद में नेता विपक्ष बनाए गए सपा एमएलसी लाल बिहारी यादव, मौजूदा नेता प्रतिपक्ष संजय लाठर का कार्यकाल समाप्त। विधान परिषद की खाली हो रही 13 सीटों पर 20 जून को होगा चुनाव। आजमगढ़ उपचुनाव में डिंपल यादव को लोकसभा का प्रत्याशी बना सकती है सपा, औपचारिक ऐलान बाकी। रामपुर में भी आजम के गढ़ में सपा ने अब तक नहीं किया है प्रत्याशी का ऐलान। ज्ञानवापी विवाद में आज सर्वे के रहस्य से उठ सकता है पर्दा। सर्वे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी आज हिंदू पक्ष को मिलेगी। कोर्ट के आदेश के आधार पर पक्षकारों को वीडियोग्राफी की उपलब्ध कराई जाएगी कॉपी। आज जुमे की नमाज को लेकर वाराणसी में इंतजामिया कमेटी की अपील, नमाजियों को दिक्कत ना हो इसके लिए ज्ञानवापी मस्जिद में कम लोगों के आने की अपील की। जबकि लखनऊ में टीले वाली मस्जिद पर जुमे की नमाज में बड़ी संख्या में लोगों को बुलाया गया। जौहर यूनिवर्सिटी के कुछ हिस्सों को गिराने से बचाने के लिए दाखिल आजम की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। गृह मंत्रालय की टीम का जौहर यूनिवर्सिटी में डेरा, टीम ले रही है यूनिवर्सिटी की शत्रु संपत्ति का जायजा।